अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड फॉर यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड वॉइस कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी ज़रूरत नहीं होती है, जो शोर वगुल आपकी आवाज़ के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। किसी गली के बच्चों में खेलने की आवाज़ होती है, कोई पीप पीप की आवाज़ होती है, कोई हॉर्न्स वगैरह होते हैं, और भी बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी आवाज़ें होती हैं। आज हम उसको रिमूव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। वो चलते हैं प्ले स्टोर में, लेक्सेस, लेक्सेस ऑडियो एडिटर। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि ये किस तरह वर्क करेगा। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस तरह वर्क करेगा। इसका इंटरफेस अंदर से ऐसे होगा, ये देखें। तो चलें हम इसको आप इंस्टॉल करते हैं। लेक्सेस ऑडियो एडिटर बहुत अच्छा और कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसमें इको वगैरह भी है, वो भी हम चल के आगे देखते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह चलेगा। आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये बस होने वाला है, 85% हो गया, 93%, और ये इंस्टॉलिंग होने शुरू हो गया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू शुरू में आपसे ये एक्सेस पूछेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है, इसको भी अलाउ करना है। ये देखें, अब ये स्टार्ट इस तरह रिकॉर्डिंग होगा। इससे प्ले और ये ब्लू वाले से पुश रिकॉर्डिंग वगैरह। ये देखें, अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपसे। अब मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ, इस तरह के जैसे अब मैं आप बोल रहा हूँ। ये सामने देखें, ग्रीन कलर की ये पट्टी से ऊपर होती है, तो इसमें जो देखते हैं थोड़ा सा। ये देखें, अभी थोड़ा सा तो मैं शोर करने की नॉइस हो रही है। अब इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स को ओके करना है। ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है नॉइस रिडक्शन, इसको हम ओके कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग है बिल्कुल ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा इस तरह से। अभी ये रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले करते हैं। मैं अपनी रिकॉर्डिंग, ये हमारी जो नॉइस थी वो यहाँ पर थी, थोड़ा सा शोर भी कर देता हूँ बैकग्राउंड में। तो ये देखिए, आप पहले से कम है क्योंकि ये माइक के करीब था, इसलिए अभी तक भी है ये शोर। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। अभी रह गई बात इको की, अगर अंडू करना हो तो आप अंडू भी कर सकते हैं। अभी अब हम इसको इको पे लगाएंगे, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में इको, इको में जाके प्ले करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरह शो होगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके देखता हूं, देखता हूं इस तरह के जैसे आप बोल रहे हो। इको को कम करते हैं, ग्रीन कलर की ये पट्टी से ऊपर होती है, तो इसका ये मतलब ये है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखें, अब ठीक है, मेरे ख्याल से स्टॉप वाले बटन को प्रेस करते हैं, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ये सब के सब अप्लाई हो गया। अब हम दोबारा इसको प्ले करके देखते हैं। अब मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ इस तरह के जैसे अब मैं आप बोल रहा हूँ। ये सामने ये देखें जनाब, अब हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह से, ये हो गया सेव। अब हम इस ऑडियो को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि इको किस तरह इस्तेमाल होती है। तो लेक्सेस ऑडियो एडिटर बहुत अच्छा एडिटर है, आप इसको इस्तेमाल करें, आप खुद इस्तेमाल करके देखें, आपको पसंद आएगा उम्मीद है। तो बड़ी मेहरबानी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।